ये जैसे कि रेंज रोवर की स्पोर्ट गाड़ी है, और ये गाड़ी में समस्या ये है कि इसका जो गियर है ना, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है। और इससे पहले अपने को ना ये गाड़ी न्यूट्रल करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी अभी पी में है, और अपने को ना इसको एन में करना है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ रहती है, और बहुत से भाई लोगों को नहीं मालूम रहता कि न्यूट्रल कैसे करें, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को हम न्यूट्रल कैसे करें, ताकि टोइंग वगैरह करा सके। कई बार रहता चलते चलते गाड़ी बंद हो गई, और ये कैसा 4x4 है, 2x2 में क्या रहता है, हम फ्री व्हील डाल के खींच सकते हैं, लेकिन 4x4 को हम नहीं खींच सकते। तो उसके लिए कि अपने को न्यूट्रल करना ही पड़ता है। तो हम ये वीडियो में जानेंगे कैसे न्यूट्रल करते हैं, क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता, और जो फिर टोइंग वाले रहते हैं उनको भी नहीं मालूम रहता है। सब गाड़ी का अलग अलग मेथड रहता है, और किसी किसी गाड़ी का तो गेयरबॉक्स का फिर एक्चुएटर खोल के करना पड़ता है। तो सब गाड़ी के एकदम ही अलग है। तो अपना जो है ये है रेंज रोवर की स्पोर्ट है, और इसको कैसे न्यूट्रल करते हैं आप देख सकते हैं, ये पी पे है। तो ये जो है ये है अभी इसका पी पोजीशन पे, अभी करने को है अपने को न्यूट्रल। तो चलो करते हैं अभी इसको न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करने का जो है आप देख सकते हैं, इसका ये जो कवर है ना, ये पहले हम निकालेंगे। ये देखो ये सिर्फ ऐसे प्रेस रहता है, फिर ये जो है ना ये भी निकलता है। हाँ, इसको ड्राइवर ला। तो ये चीज़ हम निकाल लेंगे ना, ये इजीली निकल जाएगा, ऐसा कुछ लॉक वगैरह नहीं, सिर्फ कटाना रहता है। तो कुछ इस तरीके का माइनस का स्क्रू ड्राइवर लेना है, और यहाँ पे दबाना है, ये देखो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लीवर दिया हुआ है। तो पहले तो हम इसको अनलॉक करेंगे, ये लॉक पोजीशन में है, ला स्क्रू ड्राइवर किधर। तो आप देख सकते हैं इसका ये, इसको हम अनलॉक करेंगे, ये लॉक पोजीशन पे है, ये हो गया अनलॉक। अब इसको हम खींचेंगे, और खींच के आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का लॉक दिया हुआ है, हमें इसको ये पोजीशन पे से छोड़ देंगे, ये हमारी गाड़ी हो जाएगी फिर न्यूट्रल। तो मैं अब करके भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि इसकी चाबी है, और सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इग्निशन ऑन करके भी कर सकते हैं, और स्टार्ट करके भी हम इसको न्यूट्रल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ना पी में है, यहाँ डिस्प्ले पे बता रहा है ये पी पोजीशन पे है, और यहाँ पे भी पी पोजीशन बता रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको ना खींचूँगा, ये देखो ये यहाँ पे हो गया लॉक। लेकिन ये खींचने के बाद भी अपने को लॉक करना रहता है, क्योंकि ये प्लास्टिक है, कई बार रहता है ना ये छोड़ देता है। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्रू ड्राइवर को ये यहाँ पे ऐसे फंसा के रख देंगे, ये देखो लगा दिए बस। अब ये जो हमारा गियर है ये न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया, और यहाँ भी न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया है। और जो भी इसका वीडियो है, इसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा, बहुत जल्दी ही आएगा। सो कैसा, अभी टाइम जाएगा थोड़ा, नहीं करके 2-4 दिन जाएगा इसमें। तो जो भी रहेगा इसका मैं वीडियो डालूँगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका गियर शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, तो चीज़ हम डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे क्या है क्या नहीं, तो डालेंगे ये वीडियो में, तो डालेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो ये थी रेंज रोवर स्पोर्ट।